जो डायमेंशन है वो है 7.4 फीट बाय 17 फीट। और अगर इसकी बात की जाए, ये जो पोर्ट्रेट है ये मैंने 3D में तैयार की है। अगर इसके बिल्कुल हम 90 डिग्री पे अपना कैमरा रखेंगे या हम खड़े होके देखेंगे तो हमें ये पोर्ट्रेट दिखेगी, और अगर हम उसका एंगल चेंज करेंगे, अगर हम सेंटर से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगी। ये एक एनामॉर्फिक इमेज है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल और पर्टिकुलर पॉइंट से हमें दिखेगी। ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हो, ये सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे 125वां वर्षगांठ आ रही है नेताजी के जन्मदिन की, तो मैंने 125वीं वर्षगांठ के लिए 125 स्क्वायर फीट का नेताजी का पोर्ट्रेट तैयार किया है जो कि 3D में है। और जैसा कि अभी आपने देखा, इस पोर्ट्रेट में तितलियां लगी हुई हैं, तो मैंने तितलियों को सिंबलाइज किया है एज अ फ्रीडम। नेताजी के का आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल था, योगदान था, तो मैंने आज़ादी को तितलियों के साथ दर्शाया। ये जो तितलियां हैं ये सारी मैंने एक फैक्ट्री से उठाई थी, ये उनकी रद्दी में पड़ी थी, और ये जितनी भी तितलियां हैं ये सारी कागज से बनी हुई हैं। और ये जितना भी पोर्ट्रेट है ये वेस्ट मटेरियल से तैयार हुआ है। इसको इसमें एक चीज़ छोड़ के, वेस्ट जो कि वेस्ट नहीं है, वो है इसका बेस जो कि 32 चार्ट पेपर्स को काट के तैयार किया गया। खास मैसेज ये है कि जो हमारे जो हीरोज हैं, जो भी उनकी समाज के लिए योगदान है, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पे हमें चलना चाहिए।